फ्रेंड्स, मैं कामनी सिंह, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम पाठ 10 सच्चा हीरा पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। प्रातः काल के समय था, सूर्य निकल आया था। पक्षी अपने अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे। लोगों का आवागमन बढ़ता जा रहा था। गांव की चार स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर कुएं पर पानी भरने आई। घड़ों में पानी भरने के बाद वे आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है आवागमन। आवागमन और आवागमन का अर्थ होता है आना जाना। तो बच्चों, प्रातः काल का समय था, सूरज निकल आया था, चिड़िया अपने घोंसले पर चहचहा रही थी और लोग यहां से वहां आ जा रहे थे। उसी गांव की चार स्त्रियां अपने घड़े में पानी भरने कुएं के पास जाती हैं और वहां पर पानी भरने लगती हैं और पानी भरते भरते वे आपस में बातें करने लगती हैं। जैसे आप लोग भी जब चार सहेलियां या चार दोस्त एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं। उसी प्रकार से वे चारों स्त्रियां आपस में बातें करने लगती हैं। तो बच्चों, आगे देखते हैं वे चारों स्त्रियां क्या क्या बातें करती हैं। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वह तो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत ही सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूं तो मेरा बेटा हीरा है। तो बच्चों, यहां पर एक शब्द है मुग्ध। और मुग्ध का अर्थ होता है मोही। तो पहली स्त्री बोलती है कि मेरे जैसा बेटा सबको मिले क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका जो कंठ है वो बहुत ही सुरीला है। वो बहुत मधुर गीत गाता है और उसके गीत से सभी मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। तो सच कहूं तो मेरा बेटा सच्चा हीरा है, उसके जैसा दूसरा बच्चा नहीं है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से चुप न रहा गया। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। उसे तो आज के युग का भीम कह सकते हैं। जब पहली स्त्री अपने बेटे की तारीफ करती रहती है तो दूसरी स्त्री से भी चुप ना रहा गया। कहती है कि बहन मेरा बेटा भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा बलवान है, साहसी है। उसे आज के युग का हम भीम कह सकते हैं। जैसे कि पांच पांडव थे ना, पांच भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बच्चों, इन पांचों पांडवों में जो भीम थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। तो उसी प्रकार से दूसरी स्त्री भी कहती है कि जिस प्रकार से भीम बहुत शक्तिशाली, उसी प्रकार से मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसे हम आज के युग का भीम कह सकते हैं। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर भला तीसरी स्त्री कैसे चुप रहती। वह कहने लगी, मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है। वह जो भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। लगता है उसकी जीभ पर सरस्वती माता का वास है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है वास। और वास का अर्थ होता है निवास। तो तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा भी सच्चा ही है। वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। वो एक बार भी कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है, अर्थात उसे तुरंत याद हो जाता है। वो कोई भी श्लोक पढ़ेगा उसे वो तुरंत याद कर लेता है। तो सचमुच में मेरा बेटा सच्चा ही है। आगे है चौथी स्त्री चुपचाप
उन तीनों की बातें सुनती रही। उसका भी एक बेटा था पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तीनों स्त्रियां अपने अपने बेटे की बहुत तारीफ करती रहती हैं कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा सुरीला गाता है। दूसरी स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वहां पर जो चौथी स्त्री रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम शांत रहती है। उसका भी एक बेटा था पर भी वो कुछ भी तारीफ नहीं करती। आगे है, चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े सिर पर रखकर अपने अपने घर लौटने के लिए तैयार होने लगी। तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस गीत को सुनते ही पहली स्त्री बोली, देखो मेरा हीरा गा रहा है, तुमने सुना है उसका कंठ कितना मधुर है। जब चारों स्त्रियां पानी भर के घर वापस जाती रहती हैं, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दी है और पहली स्त्री कहती है कि बहनों ये जो गाना गा रहा है, गीत गा रहा है, वो मेरा बेटा है। उन्हें कितनी मधुर आवाज है उसका बेटा वहां से गाना गाते गाते अपने घर में निकल जाता है, अपनी माँ को देखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। बच्चों यहाँ पर एक शब्द है बलिष्ठ। और बलिष्ठ का अर्थ होता है शक्तिशाली। बलिष्ठ का अर्थ होता है शक्तिशाली, ताकतवर। बच्चों दूसरी स्त्री कहती है कि बहनों देखो मेरा बलशाली ताकतवर बेटा आ रहा है। उसका बेटा वहां पर आता है और वहां से चला जाता है, अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत में श्लोक बोलता हुआ आया, वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर बाद तीसरी स्त्री का बेटा भी वहां पर आता है और श्लोक बोलता रहता है। लेकिन श्लोक बोलते बोलते वहां से लेकिन अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद में चौथी स्त्री का बेटा भी आता है। उसका बेटा एकदम सीधा साधा रहता है। तो चौथी स्त्री अपनी सहेलियों से बोलती है कि बहनों ये मेरा बेटा है। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ अपना घड़ा लाके मुझे दो, मैं इसे घर तक पहुंचा देता हूँ। उसकी माँ मना करती कि नहीं बेटा इसे मैं घर तक ले जाऊंगी। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं नहीं माँ, कहकर वो घड़ा ले लेता है और अपने में रखकर घर तक पहुंचा देता है। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने से रख लिया और घर की ओर चलने लगा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गई। पास ही एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी, वह बोली, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। वास्तव में चौथी स्त्री का बेटा ही सच्चा हीरा था। माता पिता की सेवा करने वाला ही सच्चा हीरा कहलाने योग्य होता है। और ये देखकर तीनों स्त्रियां एकदम हक्की बक्की रह जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक चौथी स्त्री अपने बेटे की कोई भी तारीफ नहीं करती, कोई प्रशंसा नहीं करती। लेकिन उसका बेटा आता है और अपनी माँ के सर से घड़ा ले लेता है और उसे घर तक पहुंचाता है। वहीं पर पास में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी रहती है और वो कहती है कि सच्चा हीरा तो ये बच्चा है। क्यों? क्योंकि माता पिता की सेवा करता है और जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चा हीरा होता है। थैंक यू।